वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पार्ट 17 स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने देखा था बहुत अच्छे से ना उनका वो डे गुजर गया। तो इसके बाद ना सेम इसी तरह डेज गुजरने लगते थे। बहुत ज्यादा हैप्पी था, पूरा एक बिल्कुल मैच्योर वाइफ की तरह पूरा दिन सबका ख्याल रखता, घर का ख्याल रखता, घर के सारे काम करता, बिल्कुल ठंड रहता था, बिल्कुल मैच्योर परफेक्ट वाइफ की तरह। और प्रियंका ऐसे रखता तो बाकी चारों भी बहुत ज्यादा खुश थे, स्पेशली डेजी जिसको मदरली लव मिला था, फादर मिलता था, बट वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मदर वाली होती ना वो एक अलग फील कराते और बहुत ज्यादा के साथ ना डेजी हैप्पी थी। किसी को इतना ज्यादा हैप्पीनेस हो रहा था ना, और वो अभी कार में थी और उससे वेट नहीं हो रहा था घर जाने के, क्योंकि अगले दिन जो था पीटीएम था पेरेंट्स मीटिंग, तो उसमें ना वो चाहते थे ये ना हर दफा के जेके ये जमीन गए यूं गए जैसे थे इस दफा ना तैयार जाए। तो वो ना बहुत ज्यादा घर न उछलते आती है और फिर ना घर में ना सब थे पड़े, तब बाकी सब आए थे। तो आती और कहते मामा 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 करके ना बिल्कुल सोम जाते थे, और तैयार ना फौरन किचन में थे और फौरन भागते आते कहते ना। तो फिर ना वो डीसी पे थोड़ा सा ना ऐसे गुस्सा से बोलते, थोड़ा गुस्सा ऐसे लाइट एंगल करते हैं डेजी ते हम काम कर रहा था, तो मैं उसको ऐसे क्यों चला रही हूँ। जब कहते पॉट करते कहते कहते मुझे मम्मा से काम था, कहते क्या काम है तुम्हें, जो को बोलते हैं डेजी बोलती है कि वहाँ मम्मा मेरी बात सुनो, कल हमारे स्कूल में पीटीएम है तो आपको मेरे साथ चलना है ठीक है। तो फिर कहते हैं ना तुम टेंगो क्यों तंग करे, हम चल ले जाएंगे, तुम ऐसे क्यों गे बोलते हैं। तो डिजी कहते हैं नहीं आप लोग हमेशा गए, मेरे साथ मामा जाएंगे। तो फिर ना डिजी की ना बात सुन के डेंस मार के तो कहते ओके मैं चलूंगा। तो डिजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है ठीक है मम्मा मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी, पूरा स्कूल दिखाऊंगी, अपनी फ्रेंड्स मिलवाऊंगी, उनकी फ्रेंड उनकी अपने फ्रेंड्स की मदर से मिलवाऊंगे, पेरेंट्स से मिलवाऊंगी ठीक है, और हम फुल मस्ती करेंगे और वहां से पैम पार जाएंगे, वहां से आइसक्रीम खा के घर आएंगे। तो फिर ना तेंग ना स्माइल करता कहता ओके एज यू विश माय स्वीटी, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना तेंग वो ना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते ओके मम्मा यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। तो फिर ना तेंग स्माइल करता कहता आई लव यू टू मेरी क्यूट स्वीट स्वीट सी डॉटर, जा जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर लो तो अगले लंच बना दे जल्दी से आओ। कहती हाँ मम्मा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे आपके खाना हाथ का खाना वैसे बहुत ज्यादा पसंद है, ये उनके ना वहां से चली जाती है। और ना बाकी तीन ना स्माइल करके देख रहे थे कि उनका फाइनली जो हैप्पी है और जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, और वो सोच रहे थे कि कितना अच्छा हुआ कि तैयार नॉर्मल हो गया। जब कुकर के माइंड में ना ये बात आती है देन अचानक से ये बात आती है ना उसको याद आता है कि नहीं जो ये चीज हो रही है ये वियर्ड है। तो फिर ना वो ना देते हैं ये तरफ कुछ देर तक देखने लगता है जिसके ना सर पे ना निशान था पड़ा, हाँ निशान था कि जब उसको ना स्टिचेस लगे थे क्योंकि उसका सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, सर से भी ब्लीडिंग उसको चोटें लगी थी, तो उनको उसको याद आने लगता है कि जो भी है ये चीज अलग हो रही है, ये वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, या जो या मे बी जो टेंग वो प्रिटेंड कर रहा है हैप्पी होने का, उसके ना टेंग का फिकर होने लग जाए क्योंकि जो हुआ उसके उसने जीहो को बिल्कुल मदरली लव दिया था, तो ये चीज बहुत ज्यादा वियर्ड है कि टेंग अब ऐसे बिहेव कर रहा है। तो फिर ना
वो ये चीज सोचते हैं और यही सोच भी ना उसका दिन पूरा ना सोच में गुजर देते हैं। भी नोटिस करता है वो कई दफा जग्गू को बुलाता है, उसको पूछता है कि कुछ हुआ, तो फिर जग्गू कहता है नहीं नहीं, बट बाकी दोनों ही जन में नोटिस कर लेते हैं। वो जग्गू से इस बारे में बात करेंगे। देन रात को जब उनकी रोजाना की रूटीन हो जाती है, वो सो रहे थे वो मेन बेडरूम में पांच छह एक साथ सोया करते थे। तो जब उठते हैं और वो सो जाते हैं डेजी, तो जनमिन पूछते हैं जग्गू से और जग्गू सारी बात बताते हैं। देन वो भी ना सोचने लगते कि हाँ जग्गू की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, बट वो ना अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी थे, वो खुद भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे। हाँ वो भी चाहते थे कि उनकी फैमिली परफेक्ट फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, बट वो चीज हो नहीं पाई थी। बट अब उनको फाइनली मिल रही थी, तो भी वो ना ये चीज सोच के ना अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते थे, तो वो इस चीज को ना छोड़ देते हैं। वो सोचते कि इस बारे में फिर कभी लंदन तेंग से बात कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जैसे ना बाकी सारे ऑफिस जाते हुए ना उन दोनों को स्कूल में छोड़ते जाते हैं। बट ना थोड़े इंस्ट्रक्शन के लिए कि एज जो वो डेजी बच्ची है और जो देंग है, वो पहली दफा जाया था तो उसके साथ ना जिमिन आ जाता और जो यूनकुक थे वो चले जाते हैं ऑफिस और जिमिन आता है देंग के साथ। और फिर ना वो टीचर से मिलने जाता है, कहते कि ये मेरा मदर है और ये मेरे फादर है। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना गुड मॉर्निंग मिसेस पार्क। तो ना देन उनका ना बीटीएम चलता है और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करी हूँ। टाटा बाय बाय।